हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिल्म मेकर प्रो इस ऐप को कैसे यूज करना है। इस ऐप का इस्तेमाल करके आप प्रोफेशनल वे में अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर आप प्रोफेशनल इंट्रो भी क्रिएट कर सकते हो। तो सब कुछ इस ऐप के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा और हर एक फीचर की जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और इस ऐप को फ्री में यूज करने का तरीका भी वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। तो पूरा देखिए वीडियो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसका आइकन आप देख लीजिए, आपको यही ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। ऐप ओपन करते ही इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जो भी आपसे परमिशन मांगी जाए, परमिशन को अलाउ कर दीजिएगा ताकि ऐप अच्छे से वर्क कर सके। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है न्यू प्रोजेक्ट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आप इसे स्किप कर सकते हो। तो देखिए, स्टार्ट करने के लिए यानी यहाँ पर मीडिया ऐड करने के लिए नीचे आपको प्लस का बटन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सभी मीडिया फाइल्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी ब्राउज कर सकते हो अपनी मीडिया फाइल्स को। अब नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए आपको इंट्रो भी देखने को मिल जाएगा, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट के साथ आपको बैकग्राउंड भी देखने को मिल जाएगा। कुछ यहाँ पर आप फ्री यूज कर सकते हो, कुछ के लिए आपको पैसे पे करने होंगे। तो उसे फ्री में यूज करने का तरीका भी मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इंट्रो बनाने का तरीका भी अभी इसी वीडियो में मैं आगे बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से आप इसमें अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी वीडियोज आपको एडिट करना है। वीडियो क्लिक करते ही सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आप देख सकते हो करेक्ट का टिक मार्क बना हुआ है कॉर्नर में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो यहाँ पर टाइमलाइन पर आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप सभी वीडियो को म्यूट करना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको म्यूट का मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करते ही सभी वीडियो की जो वॉइस है वो म्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जो भी वीडियो आपने सेलेक्ट किया है, अगर आप उसकी वॉइस को म्यूट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको म्यूट का बटन मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो की वॉइस को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, लेफ्ट साइड कॉर्नर में सबसे पहला ऑप्शन आपको इफेक्ट का मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो और फोटोज़ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ढेर सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। कैटेगरी वाइज भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ फ्री हैं, कुछ के लिए आपको पैसे पे करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर फिल्टर को यानी इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली जो भी इफेक्ट आपको पसंद आए आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको करेक्ट का एक टिक मार्क दिखेगा, यहाँ पर आपको इस टिक मार्क पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से टाइम सेट करने को बोलेगा। तो अगर आपको टाइम किसी आप पर्टिकुलर टाइम पर ऐड करना चाहते हो इफेक्ट, तो यहाँ पर आप मिनट टाइप कर दीजिए, यहाँ पर सेकंड टाइप कर दीजिए और उसके बाद ये जो इफेक्ट है वो उतनी टाइम पर सेट हो जाएगा। बट अगर आप मैन्युअली करना चाहते हो तो यहाँ पर फिर से आप इस करेक्ट वाले टिक मार्क पर क्लिक कर दीजिए, तो वो इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब इस तरीके से आप मूव करके जहाँ भी इफेक्ट को लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अगर आप इसे और भी स्ट्रेच करना चाहते हो तो इस तरीके से आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा घटा सकते हो और जहाँ भी आपको पसंद आए आप वहाँ पर इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो इसी इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिलीट का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप यस पर क्लिक कर दीजिए तो यह जो इफेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। इफेक्ट के बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको म्यूजिक का मिलता है। यहाँ पर क्लिक करके आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कई म्यूजिक आपको मिल जाएंगे, आप कोई म्यूजिक यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके अलावा साइड में आपको साउंड इफेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप साउंड इफेक्ट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के आपको साउंड इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके साइड में आपको माई म्यूजिक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी लोकल म्यूजिक यूज कर सकते हो, यानी फोन में जो भी गाने आपके हैं आप उन्हें यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो आपको क्लिक करना है सिंपली सॉन्ग पर। यहाँ पर साइड में आपको प्लस का बटन देखने को मिल जाएगा, इस प्लस वाले बटन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो सॉन्ग है वो आ जाएगा। अब अगर आप इसे ट्रिम वगैरह करना चाहते हो तो इस तरीके से आप ट्रिम कर सकते हो सॉन्ग को। जो भी पार्ट आपको रखना है सॉन्ग का आप इस तरीके से ट्रिम कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपको स्प्लिट का मिलता है, तो यहाँ से आप सॉन्ग को स्प्लिट भी कर सकते हो। अगर आप उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके से मूव करके या टेबल आप यहाँ पर उसकी वॉल्यूम भी सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको स्पीड का ऑप्शन मिलता है, जो कई कई वीडियो एडिटर में आपको नहीं मिलता है। आप यहाँ पर इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हो सॉन्ग की। अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही आप रहने दीजिएगा। अगर आप इसकी लेयर को कॉपी करना चाहते हो तो आपको कॉपी का बटन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसे कॉपी भी कर सकते हो, यानी कि सेम सॉन्ग दो बार ऐड हो जाएगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट का ऑप्शन यहीं पर आपको मिल जाएगा, आप डिलीट भी कर सकते हो। तो सब कुछ सेटिंग सही करने के बाद आपको इस करेक्ट वाले टिक मार्क पर क्लिक कर देना है, तो यह जो म्यूजिक है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब अगर आप इसे प्ले करके चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको साइड में प्ले बटन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप प्ले करके देख सकते हो आपका वीडियो कैसा एडिट हो रहा है। अगर आप इसे मूव करना चाहते हो तो आप अपने फिंगर से बड़े ही आसानी से इस तरीके से मूव वगैरह कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर ऐड करने के बाद इसमें ट्रिम वगैरह करना चाहते हो तो आपको सिंपली इसी लेयर पर क्लिक करना है म्यूजिक वाले पर, तो आपके सामने फिर से वही सब ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप ट्रिम वगैरह कर सकते हो।
अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको टेक्स्ट का मिलता है, इसका यूज करके आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पर टाइप करना चाहते हो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करने के लिए आपको जो आपकी मेन स्क्रीन है यानी कि बीच में, यहाँ पर आपको डबल टैप करना होगा। जैसे ही आप डबल टैप करोगे तो लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आप टाइप करना चाहते हो आप इजीली टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको करेक्ट का टिक मार्क मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको ढेर सारे क्लासिक फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे, स्पेशल फॉन्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप क्लिक करके उन्हें डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। और इसमें भी आपको कुछ प्रीमियम फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे जिन्हें यूज करने के लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे। यहाँ पर एनिमेशन है तो यहाँ पर आप एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो, जैसा आपको पसंद है आप वैसा एनिमेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। वैरायटी आपको मिल जाएगी तो यहाँ पर आप वैरायटी भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको डिज़ाइन मिलेगा तो आप डिज़ाइन भी यूज कर सकते हो अपने टेक्स्ट में। लास्ट में आपको सिनेमेटिक ऑप्शन मिलेगा तो आप सिनेमेटिक वे में अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो तो आप वह भी कर सकते हो। फॉन्ट वगैरह सेट करने के बाद यहाँ पर आपको करेक्ट वाले टिक मार्क पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फिर से आपको इसकी पोजीशन सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो कितने टाइम पर आप इसको रखना चाहते हो। अभी आके आपको मैन्युअली सेट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से यहाँ पर आपको एनिमेशन सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप इन एनिमेशन सेट कर सकते हो, आउट एनिमेशन सेट कर सकते हो, तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो कलर जो भी आपको पसंद है आप कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बैकग्राउंड भी आप सेट कर सकते हो, जो भी बैकग्राउंड आपको रखना है आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। आउटलाइन भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद जैसे ही आपका सब कुछ टेक्स्ट में ऐड हो जाए उसके बाद आपको करेक्ट वाले टिक मार्क पर क्लिक कर देना है, तो जो आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब जो भी जहाँ भी आप सेट करना चाहते हो आप सेट कर सकते हो, इसे भी आप ट्रिम वगैरह सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट के नीचे आपको स्टिकर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप ढेर सारे सब्सक्राइब लाइक शेयर वाले स्टिकर आ चुके हैं। जो भी स्टिकर यहाँ पर आपको पसंद आता है आप उसी स्टिकर को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। स्टिकर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको करेक्ट वाले टिक मार्क पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आप ब्लेंडिंग मोड ऑन कर सकते हो, फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, स्टिकर पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप टेक्स्ट की ओपासिटी भी सेट कर सकते हो, ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सब कुछ सही होने के बाद आपको करेक्ट वाले टिक मार्क पर क्लिक कर देना है, तो जो आपका स्टिकर है यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। आप उसे जहाँ चाहे वहाँ पर सेट कर सकते हो। अब उसके बाद देखिए नीचे आपको लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो के ऊपर कोई भी वीडियो या फिर फोटो ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक वीडियो है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ऐड करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे वीडियो पर, वीडियो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, आपको करेक्ट वाले टिक मार्क पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से थोड़ा इंपोर्ट होने में टाइम लगेगा। तो जैसे ही इंपोर्ट हो जाता है वीडियो, तो ये वीडियो आपका जो मेन वीडियो है उसके ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। देखिए वीडियो आ चुका है। अब आप इसे यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, और क्रोमा की भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप क्रोमा वाला ऑप्शन में जाके क्रोमा की का यूज कर सकते हो, इससे आपको बैकग्राउंड इरेज करने में आसानी होगी। जो भी आप बैकग्राउंड में कलर रखे हो वही कलर यहाँ पर आ जाएगा, और जो आपका मेन कलर है जो जिसे भी आप डिलीट करना चाहते हो वो डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली ये ग्रीन स्क्रीन में काम आता है, ब्लू स्क्रीन में भी काम आता है, तो आप यूज कर सकते हो अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो। उसके बाद यहाँ पर शैडो वगैरह आप सेट कर सकते हो, यहाँ से रीसेट कर सकते हो, ब्लेंडिंग मोड भी आप ऑन कर सकते हो, ढेर सारे फिल्टर आपको मिल जाते हैं, आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। देखिए ढेर सारे फिल्टर है, मैं एक फिल्टर अप्लाई कर लेता हूँ। फिल्टर अप्लाई करने के बाद आपको स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप स्लो फास्ट कर सकते हो वीडियो को। उसके बाद आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम तेज कम कर सकते हो। उसके बाद एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप ब्राइटनेस तेज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट बड़ा घटा सकते हो, सैचुरेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब सभी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद आपको ओपासिटी का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप ओपासिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। लास्ट में आपको रिवर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो अगर आप वीडियो को रिवर्स करना चाहते हो तो इस ऑप्शन का यूज करके आप वीडियो को रिवर्स कर पाओगे एक क्लिक में। क्लिक करते ही रिवर्सिंग इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो वीडियो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी आप कर पाओगे। तो यह है लेयर वाला ऑप्शन। अब उसके बाद बात करते हैं, एक और ऑप्शन है, इसका यूज करके आप वीडियो का रेशियो सेट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो ढेर सारे एस्पेक्ट रेशियो आपके सामने आ जाएंगे। तो जिस भी रेशियो में आप अपनी वीडियो को एडिट करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सिनेमेटिक में एडिट आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, फुल स्क्रीन, हाफ स्क्रीन सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप इजीली यहाँ से एडिट कर पाओगे किसी भी रेशियो में। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको वॉइस ओवर का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप वॉइस ओवर कर सकते हो। उसके नीचे आपको इस तरीके का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करके
कस्टम वाटरमार्क ऐड कर सकते हो, यानी अगर आप कोई वीडियो वगैरह बनाते हो तो उसमें आप अपना अपने नाम का वाटरमार्क ऐड कर पाओगे। इसके लिए हो सकता है आपको पैसे पे करने पड़े, तो हम इसे बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से वीडियो के बीच ट्रांजिशन यूज करना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैंने 3 वीडियो सेलेक्ट करा है, तो वीडियो के बीच में आपको इस तरीके का एक ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हो आप ट्रांजिशन का आइकन बना हुआ है, आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ढेर सारे ट्रांजिशन आ जाएंगे, आप जो चाहे वो ट्रांजिशन यहाँ पर यूज कर सकते हो। बस आपको क्लिक करना है ट्रांजिशन पर और उसके बाद इस करेक्ट वाले टिक मार्क पर क्लिक करना है, तो जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप ट्रांजिशन की ड्यूरेशन भी सेट कर पाओगे, उसके बाद आप डन कर दीजिए, तो इस तरीके से जो ट्रांजिशन है वो आपका सेट हो जाएगा। प्ले करके अगर आप चेक करना चाहते हो तो प्ले वाले बटन पर आप क्लिक करिए, इस तरीके से वीडियो आपका प्ले हो जाएगा और आप देख पाओगे ट्रांजिशन कहाँ पर कैसे यूज हुआ है। देख सकते हो आप क्लियर है, काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन यहाँ पर मैंने यूज करा है, आप भी यूज कर सकते हो, ढेर सारे यहाँ पर आपको ट्रांजिशन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर आप फुल स्क्रीन में अपने वीडियो को देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप फुल स्क्रीन में अपनी वीडियो को देख पाओगे, इसे आपको वीडियो एडिट करने में काफ़ी आसानी होगी। अब बात करते हैं किस तरीके से आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे। वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इस तरीके का एक डाउनलोड बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप क्वालिटी सेलेक्ट कर लीजिए वीडियो की और उसके बाद जो एक्सपोर्ट लिखा गया है एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है, ये वीडियो आपके गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसे विदाउट वाटरमार्क के फ्री में जो भी यहाँ पर पैसे वाले इफेक्ट हैं उन्हें कैसे फ्री में यूज कर पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी लिंक पोस्ट कर दी है इसके मोड एपीके की, उसमें ना ही वाटरमार्क आएगा और जितने भी इफेक्ट वगैरह हैं सब कुछ वहाँ पर फ्री होंगे। तो आप टेलीग्राम से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिए इंस्टा पे या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मोड एपीके की, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें किसी भी प्रकार का वाटरमार्क नहीं आएगा और आप सभी इफेक्ट को फ्री में यूज कर पाओगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मैंने आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।